बॉली वाली बाबा चैनल देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों जाने के तुहाडे दोस्त जगमीत बराड़ वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल नमस्ते अदाब। सो दोस्तों अज आपां जिस पंजाबी सितारे पंजाबी कलाकार दी तुहाडे नाल गल करन लगे हाँ वह बहुत ही वधिया गीतकार ने, बहुत वधिया सिंगर ने, इंसान भी बहुत वधिया ने। उन्हां दा सुभाव बड़ा सिंपल है, सादगी पसंद बंदे ने। तो दोस्तों वैसे तो उन्हां दा जो भी गाना वह लिखते ज गाँवते सुपर डुपर हिट ही जाता है, पर उन्हां दा एक गाना जो मैनू बड़ा दिलों पसंद है, मैं उस दे कुछ बोल तुहाडे नाल सांझे करना चाहांगा कि उदड़ी जुत्ती टुटियां चप्पलां चौंदे कोठे मार गए, बिजली दे कट रोंदे ने जट ओ लीडर शीडर मार गए, नरमे नूं सुंडी आड़त दी कुंडी कुछ टॉपिक ते लीडर मार गए, वो यार पतंदरा घट ना कीती पर बलजीते होरी सहार गए। सो मेन गाने दा जिहड़ा बोल हैगा वह हैगा कि वह गेड़ा सोहणीए कनेडा वल कढ आउण दे, निकण दा डॉलरां वाला भी मैनू कढ आउण दे, हड़ी सौणी चों कदे ना कुछ बचिया, नी मुंडा करजे च फसिया पिया, कितों लहरां तैनू चुन्नी चीन मीन दी मेरा चादरा भी घसिया पिया, कितों लहरां तैनू चुन्नी चीन मीन दी मेरा चादरा भी घसिया पिया। हाँ दोस्तों तुसी बिल्कुल सही पहचाने, अज आपां पंजाबी मां बोली दे बहुत ही वधिया ते सुरीले कलाकार ते बहुत ही हरमन प्यारे सिंगर ते गीतकार की गल तुहाडे नाल करन लगे हाँ, जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट जाता है ते उन्हां नूं चाहुण वालियां दी गिनती अज लखां दी। हाँ हाँ मेरी मुराद है वीत बलजीत। तो दोस्तों अज आपां भाई वीत बलजीत दे जीवन बारे, उन्हां दी फैमिली बारे, उन्हां दी पूरी बायोग्राफी तुहाडे नाल शेयर करांगे, किवें उह इस लाइन विच आए, की उन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ के। पर उस तो पहला जिन्हें दोस्तों ने मैं इस वीडियो की रिक्वेस्ट की, मैं उन्होंने नाम तुहाडे नाल जरूर शेयर करना चाहाँगा। मैनू भाई गनिंदर जोत सिंह जी, इंदर मक्खी जी, दीप संधु जी, लव ढींसा जी, रचित शर्मा जी, सुखी पतवाल जी, रामपाल सिंह, गुरप्रीत सिंह, प्रिंस बुट्टर जी ने इस वीडियो की खास तौर पर रिक्वेस्ट की कि वीत बलजीत की वीडियो जरूर बनाओ। सो मैनू उम्मीद आ मेरे वीर खुश होणगे इस वीडियो देख के, तो इसनों लाइक तो शेयर भी जरूर करेंगे। सो दोस्तों इस तो बिना एक रिक्वेस्ट मैं जी थोड़ा होर करनी चाहना कि जेकर तुसी मेरा चैनल बॉली हॉली बाबा अजे तक नहीं सबसक्राइब किया तो इस वीडियो के नीचे जोड़ा रैड कलर का सबसक्राइब का बटन आ रहा उस पर अपना एक प्यारा जहा मिठा जहा क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह दीडियो लैके आता रहा हाँ। इस तो बिना जेकर तोड़ी भी कोई फरमैश है वीडियो तुम चाहते हो कि थोड़े किसी फेवरेट एक्टर सिंगर या एक्ट्रस की वीडियो बनवानी चाहते हो तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी दस सकते हो। इस तो बिना साडा फेसबुक ते बॉली हॉली बाबा के नाम का पेज बनया है, तुम उत्थे मैनू अपना डायरैक्ट मैसेज करके भी दस सकते हो। सो दोस्तों इस तो बिना साडा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडा अकाउंट है, तुम उस भी प्लीज़ फॉलो कर लो। तो दोस्तों हुण तुहाडा ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए हुण आपां भाई वीत बलजीत के जीवन ते एक झात मारदे हाँ। वीत बलजीत का जन्म 15 जून 1983 नू पिंड कौंके कलां तहसील जगराओं जिला लुधियाना विखे होया। उन्होंने बचपन तो ही गायकी का बहुत ज़्यादा शौक सी, उन्होंने सिंगिंग का दिलों शौक सी, सो वह अपने बचपन तो ही उन्होंने गाना शुरू कर दिता सी। दोस्तों वीत बलजीत का जिहड़ा ऑफिशियल नेम है, फुल नेम है, वह है बलजीत सिंह। तो उन्होंने वीत अपना नाँ क्यों रखा इस पिछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि भाई वीत बलजीत नू गीत लिखन का बड़ा शौक सी, तो बलजीत सिंह जिहड़ा नाम से थोड़ा वड्डा लग्या उन्होंने, तो गाणियां विच फिट नहीं हुंदा सी पूरी तरह। सो उन्होंने अपना नाम चेंज करके फिर वीत रख लिया, तो गाणियां विच अक्सर ही आपां देखदे हां वीत दे नाम नाल अपने गाणियां विच अपना नाम ऐड करदे आ। जे उन्हां दी आपां स्कूलिंग लाइफ की गल करिए इत्थे, तां उन्होंने अपनी स्कूलिंग जिहड़ी है कौंके कलां तों ही कंप्लीट कीती है, ते उन्हां नूं पढ़न विच कोई ज़्यादा इंट्रस्ट नहीं सी, उन्हां नूं गीतकारी ते गायकी नाल ही बचपन तों प्यार सी। दोस्तों उन्हां दी जे आपां हुण हॉबीज़ ते एक नज़र मारीए तां उन्हां नूं कबड्डी खेडण दा बचपन विच बहुत शौक सी, उह 35 किलो जिहड़ा वेट दी कबड्डी हुंदी आ उहदे विच उह खेडदे सी। इस तों बिना उन्हां नूं कबूतर रखण दा शौक सी ते कुक्कड़ भी उन्हां ने रखे सी घर विच। दोस्तों उह कनेडा जाण दा सुपना जिहड़ा बचपन तों ही देखदे सी, ते उह हमेशा सोचदे रहिंदे सी कि मैं कनेडा किवें जावां, किवें घुम के आवां। सो उन्हां ने फिर इसे अपने सुपने नूं पूरे करन लई लाइफ दे विच स्ट्रगल कीता, संघर्ष कीता, ते उह इक दिन फिर कनेडा पहुँच गए, उत्थे चक्कर ला के आए आ, घूम के आए आ। उह कहिंदे कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उह कहिंदे कि मैनू कनेडा जाण लई जो मेरा बचपन का सुपना सी, फस्ट टाइम कनेडा दी धरती ते पैर रख्या तां मैनू बहुत ज़्यादा वधिया लग्या। सो दोस्तों उन्हां दी जे आपां अर्ली लाइफ की गल करिए, उन्होंने लगभग 3 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाया सी। वो जिहड़ा उन्होंने गाना गाया सी, उन्हां दे घर अखंड पाठ साहब सी, ते उन्हां दे घर जो माइक लग्या सी उस ते उन्होंने गाया, ते उन्होंने एक बड़ी फनी जी स्टोरी भी शेयर की कि मैं वो गाना गा के रोन लग पिया सीगा,
क्योंकि जिहड़े मेरे सामने बच्चे बैठे से दूजे वह मैनु वेख के हसन लग पे जो मैं गाँवदा सी ते मैं रो पिया। पर उन्हां दी भूआ जी का बेटा सी जिहड़ा उन्हां तों वड्डा सी ते उन्होंने उन्हूं 10 रुपए दिते। सो वह 10 रुपए लैके आंदा मैं बड़ा खुश होया ते मैनू फिर उत्थों ही मेरा मन होया कि मैं वधिया वधिया गाउणा ते लिखणा सिखणा निक्के हुंदे तों ही। सो उन्हां ने अपने इसे तरह फिर संघर्ष अगे जारी रख्या ते उन्हां दा जिहड़ा पहला जिहड़ा गीत है जिहड़ा रिकॉर्ड होया सी जिहड़ा उन्हां ने लिखिया सी वह जगराऊं तों सी सिंगर दीपन जट जी उन्हां दी एल्बम विच उन्हां दा गाणा रिकॉर्ड होया सी डुएट गाणा सी तित्तर बटेरे। सो उस गाने नाल फिर बाई जी ने शुरू किया सी ऑफिशियल ते वह पर जिहड़ी उन्हां दी दीपन जट जी दी एल्बम सी वह नहीं चली सी फ्लॉप हो गई सी पर बाई ने हौसला नहीं हारिया वह अगे उसे तरह वधदे गए ते उन्होंने दस्या अपनी लाइफ बारे कि कमल हीर ते मनमोहन वारस जी का उन्होंने इस करियर विच सक्सैसफुल होने विच बहुत वड्डा हाथ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा बाई वीत बलजीत की हैल्प की संजोग दिता क्योंकि पहला जदों वीत बलजीत सिंगरां नूं फोन करते कि मेरे गाने लै लो मेरे गाने अपनी एल्बम में पा लो तो कोई वधिया रिस्पोंस नहीं आता पर जदों कमल हीर जी ने उन्हां दा संजोग दिता उन्हां नूं उन्हां दी हैल्प की तो बाई नूं कॉन्फिडेंस आया तो वह वधिया ढंग नाल सिंगरस नाल डील करन लग पे कि तुसीं मेरे तो गाने लो तो फिर सिंगरस ने भी उन्हां दे गाने लैने शुरू किए। तो पहला जिहड़ा गाना उन्होंने दिता सी गिप्पी गरेवाल नूं दिता सी ते उस गाने नूं दर्शकां ने बहुत ज़्यादा सलाया तो काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट होया सी गाना। इस तो बिना बाई ने होर भी बहुत वड्डे वड्डे पंजाबी इंडस्ट्री के जिहड़े कलाकार आ उन्हां नूं अपने गाने दिते जिवें लाडी गिल रोशन प्रिंस दलजीत दोसांझ ते इस तो बिना भी होर भी ढेर सारे सिंगर आ जिन्हां नूं उन्होंने गाने दिते। पर बाई दे गाने गा के जिस भी सिंगर ने बाई वीत बलजीत का गाना गाया वह सुपर डुपर हिट रहा तो एक अलग ही बुलंदी ने छू गया। सो अजकल पंजाबी इंडस्ट्री के जिहड़ा भी सिंगर आउंदा है उदा यह मनो एक फ्लैश होंगी कि जे बाई वीत बलजीत का कितने गाना मिल जाए तो मेरी लाइफ बन सकती है। सो यह भी एक बहुत ही माण की गल हों कि जदों असी एक ब्रांड बन जाने सो आप कह सकते कि बाई वीत बलजीत अजकल पंजाबी इंडस्ट्री में गीतकारी के खेत्र में गायकी के खेत्र में एक ब्रांड बन चुके हैं। सो दोस्तों जे हुण आपां एक नज़र मारीए गल ते कि उन्होंने लिखन की प्रेरणा किवें मिली उन्होंने लिखण वाले रुझान किवें होया तां बाई जी गल करते सी कि 1990-92 विच रणजीत मणि जी की एल्बम आई सी ते उस विच गाना सीगा कि मेरे रांझे दा प्रिंसीपल जी हाड़ा कट्टिओना कौल जी चुना। सो वह गाने सुन के बाई के मन में यह है कि आपां भी एक दिन इस तरह की एल्बम करवानी है जिस नूं दर्शक बहुत ज़्यादा प्यार करन क्योंकि मैं जिवें गल कीता कि बाई वीत बलजीत पहला लिखण दा नहीं उन्हां नूं ढंग सी लिखते नहीं सी वह सिर्फ एक गायक सन गाउणा जाणदे सी कि किवें गीत गाउणे आ। सो उन्होंने सोचा कि मैं कोई गाना लवा तो उस समय बचन बेदल जी से जोड़े वह बहुत ही पंजाब के मशहूर तो प्रसिद्ध जोड़े गीतकार उन्होंने उन्होंने तो गाने लैन बारे सोचे पर उस समय जिदा सोशल मीडिया का इन्ना जमाना नहीं कि आप हर एक बंदे का कि मोबाइल नंबर लिया उन्होंने कॉल की पुछ लिया मोबाइल भी समय तो मोबाइल भी बहुत घट से नंबर किसी किसी को हों मोबाइल का। सो उन्होंने वो नंबर नहीं मिलया फिर उन्होंने वो गल उत्थे छड़ती ते वो कहिंदे कि फिर मैं सोचा कि मैं भी लिखना सीखना मैं अपने गीत आप ही लिख के ते आप ही गाने आ एक मन दे विच धारली गल कि हाँ मैं कुछ करना तो करना ही है। फिर उन्होंने गीत गाने सीख ले फिर लिखने सीख ले पर दोस्तों जिवें आपां गल करदे ने कि जिहड़ा गायकी का काम है बहुत ज़्यादा महंगा काम है कोई हर एक बंदा गीत रिकॉर्ड नहीं करा सकता क्योंकि इस विच काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुंदा। सो उस समय बाई कोले पैसों का भी इन्ना कोई साधन नहीं सी पर बाई दे पिता जी तो जिवें बैंक में सन पर फिर भी घर के कुछ रुझेवे होंगे आ वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते सी। सो उन्होंने सोचा कि आप एक बार अपने गाने नहीं रिकॉर्ड कराते पर गीतकारी के थ्रू गीत लिखने शुरू करते हैं तो दूजे सिंगरस नूं गाने देने शुरू करते हैं। सो उन्होंने गाने देने शुरू किए तो जो चंगे उन्होंने पैसे कमा ले फिर उन्होंने अपनी एल्बम कराई सी वो काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही सी वो एल्बम। फिर दोस्तों जे आप गल करिए कि उन्होंने इस गीतकारी ते गायकी दे सफर विच किसे नूं गुरु धारिया तो बाई जी बड़ा सोहना जिहा जवाब दिंदे आ कि मैं किसे नूं भी गुरु नहीं धारिया पर वो अपने माता जी नूं अपना गुरु मानदे आ क्योंकि वह कहिंदे सी कि जदों वह बचपन विच सी तां जदों वह कदे भी कोई गलबात करदे अपने माता जी कोले बहिंदे तां उहनां दे माता जी अक्सर उहनां नूं बातां सुणाउंदे रहिंदे सन जां उहनां नूं कहानियां सुणाउंदे सी स्टोरी सुणाउंदे सी वह बातां स्टोरियां अज भी मेरे दिमाग च आ ते जदों मैं कोई गाना लिखदा जां गीत बनाउणा तो मेरे दिमाग में ऑटोमैटिक ही आ जाती उस तो मेरा कोई गाना बन जाता।
ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਅਣਖ ਮੇਰੀ ਨਾ ਝਲਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਅਣਖ ਮੇਰੀ ਨਾ ਝਲਦੀ ਲੰਡਨ ਦਾ ਦਾਬਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਸ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਕੌਣ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮਾਈਨੰਗਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਐਕਟਰ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਕਟਰਸ ਹੇਮਾ ਮਾਲਨੀ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਫੈਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਅਮਨਾ ਅਮਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੀਨਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਅਮਨੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਲਾਹ ਬੀਤ ਅਮਨੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਲਾਹ ਬੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਮਨੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਵਿਜਨ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਵੱਦੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰੀਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਝ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਈ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਲੂ ਕੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਗੀਤਕਾਰ ਤਾਂ ਢੇਰਾਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਹਿਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਟ ਸਲੀਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਟ ਮਾਸੀ ਦੇਸੀ ਗਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਿੱਗ ਤਾਰਾ ਸੰਦ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਮੰਮੀ ਚੀਨਮੀਨ ਇਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਉਹ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬੇਰੀ ਕੁੜਤਾ ਫਿਰ ਛੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਬਾਜਰਾ ਕਬੂਤਰੀ ਫੌਜੀ ਜੀਪ ਢੋਲ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦਾ ਅਤੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਿਆ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਮੂਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।